एपिसोड के स्टार्टिंग में इंग्लिश का क्लास चल रहा होता है। उसी वक्त रूमी सेकी की तरफ देखती है। उसे हैरानी होती है कि सेकी इतने ध्यान से नोट्स कैसे बना रहा है। उसे शक होता है। वह उठकर देखती है, सेकी तो बेंच साफ कर रहा होता है। वहीं रूमी मन में सोचती है, सेकी जितना अपने बेंच की फिक्र करता है उतना ही पढ़ाई में करता तो कितना अच्छा होता। फिर सेकी अपने बैग से पॉलिश का सामान निकालता है। वह एक प्रोफेशनल मैन की तरह लग रहा होता है। इसके बाद सेकी सभी खरोचों को भरने लगता है जो कि बेंच में होते हैं। तब रूमी सोचती है, आखिर इसने यह सब सीखा कहाँ से है। सेकी उन खरोचों को भरने के बाद बेंच को छीलने लगता है और वह सभी लकड़ी के छिलके रूमी और इस बंदे पे लग रहे होते हैं। रूमी सोचती है, अगर इस बंदे को पता चला कि ये सब हो रहा है तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगा। इसके बाद सेकी बेंच को पॉलिश करने लगता है। वह पॉलिश इतनी ज़्यादा कर देता है कि बेंच मिरर की तरह चमकने लगता है और उसमें से सन की रिफ्लेक्शन भी आती है। यह देखकर रूमी हैरान होती है। सेकी अपनी बेंच चमकाने के बाद वह अब रूमी की तरफ बढ़ता है उसका बेंच चमकाने के लिए, लेकिन रूमी उसे मना कर देती है। सेकी कहता है, बस थोड़ा सा। रूमी कहती है, मेरा बेंच मुझे प्यारा है, तुम अपने बेंच के ही साथ ऐसा करो। इसके लिए सेकी उसे पैसे भी देने के लिए तैयार होता है, लेकिन रूमी नहीं मानती और वह उससे कहती है, अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो तुम सर का लेक्चर सुनो। सेकी थक हार कर अपने बेंच में लेट जाता है। इससे रूमी को दया आती है और वह उसे पेंसिल बोर्ड देती है पॉलिश करने के लिए। यह देखकर सेकी बड़ा उत्सुक होता है और वह जोरों से पॉलिश करना चालू कर देता है। तब रूमी कहती है, इतनी आवाज़ मत करो। सेकी एक तरफ पॉलिश कर लेता है और वह चमकने लगता है। इसके बाद वह दूसरी तरफ पॉलिश करने लगता है। तब रूमी सोचती है, सेकी का ये अच्छा आदत है और वह उसे क्यूट समझती है। फिर सेकी वह पेंसिल बोर्ड रूमी को देता है। वह इतना चमकने लगता है कि रूमी का चेहरा भी उसमें दिखने लगता है, साथ ही उसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस भी निकलने लगती है, जैसा कि हम लोग बचपन में किया करते थे, स्केल और बाल वाला किस्सा। इस वजह से रूमी के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और वह ज़ोर से चिल्लाती है। तब टीचर उसे पूछते हैं, क्या बात है? रूमी कुछ नहीं बताती है और उस दिन से रूमी सेकी पर भरोसा करना बंद कर देती है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।